नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल ओड़। आज हम अरावली की इन पहाड़ियों में आए हैं और अरावली की पहाड़ियाँ हमारे उदयपुर में सबसे सुप्रसिद्ध पहाड़ियाँ है। और देखिए आप, ये जो पूरा गांव है चड़बोर सुरफलाया, जो गांव है चड़बोर सुरफलाया, यहाँ पे देखिए कैसे पेड़ लगाए गए हैं। और ये स्कूल के सहयोग से कैसे देखें आप, सब तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये नीम नारायण का पेड़ है और इस तरह से इन्होंने बताया कि हमारे जो गुरुजी है बैरूलाल जी, उन्होंने बताया कि ये पूरा गांव में है जो बच्चों के और गांव के सहयोग से पेड़ लगाए गए हैं। मन गदगद हो गया, चढ़ाई ज़्यादा है क्योंकि अरावली की पहाड़ी है, सांस फूलती है, लेकिन परवाह नहीं। पूरा देखें यहाँ आगे महावीर नगर है और महावीर नगर में भी काफ़ी जो पेड़ है वो लगाए गए हैं। बहुत ही सुंदर और प्रकृति से सुंदर दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा। और उससे अच्छा है ये स्कूल, स्कूल जो है बहुत ही खूबसूरत स्कूल है और स्कूल में गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सुंदर तरीके से ये जो सिस्टम लगाया गया है यहाँ पर। एक चीज़ और थी, इस स्कूल में कैमरे लगाए गए। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ कैमरे मौजूद है ताकि यहाँ पर नज़र रखी जा सके, कोई नुकसान ना पहुँचाए, उसके लिए भी अच्छा है। पानी के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है, पूरा यहाँ पे मौजूद है। और ऐसा सोसाइटी, और आपने भी पिछली वीडियो में देखा होगा कि सारे किस प्रकार से ये सिस्टम काम करता है, कैसे पानी काम करता है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है। और चणबोर जो गांव है, ग्राम पंचायत है, और इस राजस्व गाँव में ये सुंदर स्कूल का दृश्य आपने देखा। तो सुरफलाया गाँव में बहुत ही सुंदर गांव है, जितनी प्रशंसा की जाए, यहाँ के प्रशासन की प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ के हमारे अध्यापक, यहाँ के बच्चे, यहाँ की माताएं बहनें, सभी की जितनी कोटि कोटि प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा स्कूल लगा, बहुत ही शानदार स्कूल है। ककड़ी के पेड़ इस स्कूल में लग रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे पेड़ आपने कभी गन्ने के मीठे पेड़, गन्ने के पेड़ नहीं देखे होंगे, वो भी इस स्कूल में मौजूद है। और ककड़ी जो जिसको हम हजार काकड़ी के नाम से भी जानते हैं, वो काकड़ी इसके अंदर लग रही है। और बता रहे थे गुरु जी को, अभी हमने पिछले लॉकडाउन में 100 किलो के आसपास ककड़ी जो है गांव वालों को बांटी है। सारे जो पेड़ है वो उपजाऊ पेड़ यहाँ पे हैं और बहुत ही अच्छा स्कूल है यहाँ पे। यहाँ आ जाने का मौका मिला है, मैं यहाँ के प्रधानाचार्य गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बैरूलाल जी को, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्थाएँ की है। जिनका मन सुंदर हो उनके तो आत्मा भी सुंदर होती है, और आत्मा सुंदर होती है तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी सुंदर बना देते हैं। बहुत ही सुंदर और प्रकृति से परिपूर्ण यहाँ का दृश्य है। जहाँ के लोग अच्छे होते हैं वहाँ की हर चीज़ सुंदर होती है। प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा जनजाति क्षेत्र में आप देखें कि जहाँ जहाँ जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर अब पेड़ लगाए जा रहे हैं बड़ी संख्या में। वहाँ पर जो है गाँव का जो है नवीनीकरण हो रहा है, रोडें बन रही है, और प्रकृति को बचाने के लिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी भागीदारी है। लेकिन इस गांव में बच्चों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, माताओं की भागीदारी, बुज़ुर्गों की भागीदारी, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की भागीदारी, यहां पे भागीदारी बहुत अच्छी है। और बहुत ही सुंदर स्कूल हमने देखने को मिला है। तो देखिए जनजाति क्षेत्र में हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी भागीदारी है, और पशु पक्षी भी यहाँ मौजूद है। गुरुदेव हरिओम। तो देखो हमारे आदिवासी तो आज से नहीं, आदिकाल से पहाड़ को संवारते आए हैं, सजाते आए हैं। और स्कूल के सामने ही हैं हमारे गुरुजी, आप यहीं रीरा से? हाँ, ये देखो हमारे भाई, क्या नाम है आपका? पूरण। नाम पूरण जी। स्कूल बहुत अच्छा लगा आपका जी, क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में तो सर बढ़िया है, हमारा मास्टर बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या लगाया अंदर? अंदर पेड़ पौधे लगाए हैं। हाँ, बच्चे भी ध्यान रखते हैं इसका? गार्डन भी है, गार्डन ही मतलब बना रखा है, बहुत बढ़िया कर रखा है। हाँ, क्या बात है, और बच्चे भी हैं अंदर। तो देखिए हमारे जो ये लोग हैं जनजाति में रहने वाले आदिवासी परिवार जी, ये तो हजारों साल से जंगल की रक्षा कर रहे हैं जी, हजारों जालों से पेड़ लगाते हैं। पेड़ को काटते थोड़ी है, पेड़ लगाने का काम करते हैं, लगाने का काम करते हैं, है ना। तो हम अपने आसपास में पेड़ लगाते हैं, सुंदर सुंदर जमीन को खेती लायक बनाते हैं। ये काम तो हमारा आज का थोड़ी है जी, जब से खीड़ी जब से सूरज आया, चांद आया, तब से हम लोग आए, तब से ये काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, स्कूल बढ़िया है, बढ़िया। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपसे बात की, अच्छा लगा। गांव के अब तक बैरूलाल जी आया, हमारे पास बढ़िया काम भी, बढ़िया काम। वाह वाह बैरूलाल जी, आपको धन्यवाद साहब।
प्यारूलाल जी, गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े भाई साहब सूर्या जी से बात करते हैं। नमस्ते जी, कैसा लगा बड़े भाई साहब इस गांव में आपको काम जब करते हैं तो कैसा महसूस होता है? देखिए सर, जो यहाँ के स्थानीय विद्यालय के जो प्रिंसिपल साहब है प्यारूलाल जी, उनकी मेहनत की वजह से ही जो आज अपने ये जो नजारा देखें स्कूल का, वो उनकी मेहनत का ही फल है, जो कि ग्रामीणों के संयोग से और भामाशाओं के माध्यम से आज जो पहले यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन थी वो आज अपन देख रहे हैं, वो उनके मेहनत का फल है। तो ये विद्यालय की और जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं उन दोनों की मेहनत का जो अपन देख रहे हैं ये उनकी वो है। तो अरावली की पहाड़ियों के बीच में, अरावली की गोद में बसा ये सुंदर चणबोर ग्राम पंचायत में ये जो सुरफलाया गाँव है, वास्तव में तारीफ़ के काबिल है। यहाँ के लोग कितने सुंदर होंगे, यहाँ के युवा कितने सुंदर होंगे, माताएं कितनी सुंदर होगी जिनके सामने, घर के सामने देखो सुंदर स्कूल बना हुआ है। तो आप इसकी सुरक्षा करेंगे ना, ध्यान रखते हो? हाँ, ध्यान रखना है अपने स्कूल का, है ना। तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ गाँव के सभी परिवारों को, सभी बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, सबको धन्यवाद। ऐसे ही स्कूल को संवारते रहे। और मैं तो ये कहता हूँ जैसा स्कूल को सजाया है ना, जितना बढ़िया स्कूल को अपन ने किया है, हम अपने परिवार को भी ऐसा सुंदर बनाए। क्यों बहू जी, ये काम भी करना है कि नहीं करना है? भाई अपने बच्चे पढ़ेंगे तो स्कूल में टीचर बन के आएंगे, है ना, हमारे बढ़ेंगे तो फिर सचिव बन के आएंगे, BDO बन के आएंगे, कलेक्टर बन के आएंगे, है ना। और हम अपने बच्चों को, शिक्षा का मंदिर सामने है और बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्या बन के आएंगे बताओ? फिर शहर में जाएंगे, दारूडे बन के आएंगे, सिगरेट पीने वाले बन के आएंगे, गुटखा खाने वाले बन के आएंगे, है वो काम के क्या? वो काम है। तो हमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और अपने गाँव के आस पास जितने भी है उनको भी कहना है, क्योंकि आप स्कूल के सामने रहते हो तो आपका फर्ज बनता है कि बच्चों को लेके आए। और किसको ला रहे हो? बच्चों को। किसके बच्चे? गांव वालों के। अपने सब अपने तो बच्चे हैं भाई, सब परिवार की तरह रहते हैं, परिवार की तरह। अच्छा, अगर संबंध में रहेंगे तो यही बच्चे आगे चलकर हमारे काम को संभालेंगे, हमारे देश को संभालेंगे, हमारे घर को, परिवार को, सबको संभालेंगे। क्यों पुष्कर जी, क्या नाम है? पूरण जी। हाँ, पूरण जी हमारा भाई है। क्या काम करते हो? कारखाने का काम। तो डायरी बनाई? डायरी, श्रमिक डायरी बनाने दी। लेबर लाइन आओ, देखा मेरे को कभी? मेरे को देखा नहीं। अरे यार, आप कहाँ रहते हो जब यार? हाँ, कोई बात नहीं, आपकी श्रमिक डायरी बनाएंगे, ठीक है ना। जी तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पेज पे देख रहे हैं तो अंगूठा लगा दीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।